ऐतिहासिक क्षण। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बाल राम के जिस मूर्ति की होगी वो मैसूरू के योगी राज अरुण के है। मैं इस वक्त उनके कार्यशाला में हूँ, यहाँ मैसूरू में। देखिए कितनी सारी मूर्तियाँ हैं। 40 साल के योगी राज अरुण हैं और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके पड़ोसी दोस्त सबों को गर्व है उन पे और गर्व है इस प्रदेश के लोगों को भी। हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी हैं जो कि योगी राज अरुण के बड़े भाई हैं, वो भी शिल्पकार हैं। कैसा लग रहा है इतनी बड़ी उपलब्धि? सर ये तो बड़ी खुशी का बात है, पूरा फैमिली में खुशी। आज स्पेशल ऑस्पिशियस डे, संक्रांति फेस्टिवल, और ये इससे भी बढ़िया बात क्या हो सकते हैं सर। एक आर्टिस्ट होने के नाते एक छोटा भाई इतना बढ़िया काम करके बना के दिखाया है और बहुत खुशी हूँ सर। ये बताइए कि वो किस तरह से अपना काम करते हैं, क्या आपने वो मूर्ति देखी है जो उन्होंने बनाई है राम जी की? सर देखा हूँ, प्रोटोकॉल है, मगर अच्छा है, बहुत सुंदर बनाया है। आप भी 22 सेकेंड देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बनाया है। छः महीना वहीं पर ठहर के वहीं पर ये काम पूरा बना के। यानी ये मूर्ति कहाँ बनी है? अयोध्या में। अयोध्या में ही बनी सर, अयोध्या में ही बनी। और मैसूर का वो पत्थर भी मैसूर से ही गया, ये भी गर्व का बात है मैसूर लोगों के लिए। अच्छा, तो यहाँ से कुछ क्या उनके साथ कारीगर भी गए थे? हाँ सर पूरा वो आने के बाद आप पूछ सकते हैं। मेरा जानकारी से करीब 18-20 पीपल मेंबर्स उसके साथ थे। यानी बाल राम की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको कि चुना गया है, उसको बनाने में योगी राज अरुण के साथ 20 से 22 लोग और भी थे साथ? हाँ सर, उसके साथ मेरा माँ का छोटा भाई भी था और मेरे करीब रिश्तेदार भी थे, क्योंकि वो सब हमारा बाबूजी से काम सीखा है 35 ईयर्स के साथ। ये तो बहुत गर्व की बात है सर, क्योंकि इससे ज़्यादा और क्या मांग सकते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक देवालय के लिए राम जी का मूर्ति बनाने का ये काम सौंपते टाइम पे ये बहुत बड़ी बात है। अभी ये पूर्ण हो गया है और सेलेक्ट भी हो गया है, बहुत बहुत खुशी महसूस हो रहा है सर। तो आप जा रहे हैं अयोध्या? नहीं सर, यहाँ पर तो काम है, मगर वहीं पर ठहरा हुआ है 15 डेज पहले ही जाके, और दो लोग अभी 3 दिन के पहले दो लोग गए, क्योंकि वो पीठ सभी बिटाने का है। नहीं सर, और बहुत सारे जो दूसरे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ उनके पड़ोसी हैं, और ये प्रोफेसर साहब हैं और कॉलेज में पढ़ाते हैं और योगी राज अरुण को अपना छोटा भाई मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं। चलिए, स्कूलमेट। अच्छा, स्कूलमेट भी थे। जब आपको ये खबर मिली कि उनकी प्रतिमा चुनी गई है? या, इट्स वेरी हैप्पी बिकॉज इन मैसूर इस फैमिली इज फ्रॉम 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स, 4 to 5 जनरेशन। ओ इज वेरी हार्ड वर्कर एंड इस ब्रदर इज ऑल्सो, इस फैमिली इज फ्रॉम स्कल्पचर फैमिली एंड यू डिड सो मेनी स्कल्पचर्स एंड इट वॉज वेरी वंडरफुल एंड वी आर हैप्पी टू से दैट आई एम द फ्रेंड ऑफ अरुण योगीराज एंड ऑल्सो फैमिली फ्रेंड ऑफ हिज फैमिली। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नवीन कुमार। डॉक्टर नवीन कुमार, आप पड़ोसी हैं? आप नेबर? मैसूर में देखता है हमारा ये योगराज भट्ट, योगराज है ना, उसको सो मेनी स्टैचूज आई सी, इज वेरी वंडरफुल इन मैसूर, इज गुड नेम इन मैसूर प्लेस। मैसूर पैलेस में जो मूर्तियाँ लगी हैं वो योगी राज अरुण के दादाजी ने बनाई थी और कई सारे उनके अवार्ड भी मिले। योगी राज अरुण ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो बनाई वो भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। कई सारी और मूर्तियाँ उन्होंने बनाई है केदारनाथ में, आदि शंकराचार्य की मूर्ति। अब आप ये बताएं कि जब अरुण अपना काम करते हैं तो किस तरह से करते हैं, कैसे वो डिफरेंट है? सर पहले जो हम काम करके आ रहे हैं सालों से वही बात है, वही डिफरेंट है सर।
क्योंकि जो हमको सिखाया था हमारा दादाजी ने और हमारा बाबूजी ने वैसे ही काम करके आ रहे, क्योंकि पहले उसको मन में ड्राइंग पूर्ण विजन होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, पत्थर में पत्थर कैसा चूज़ करने का है, टूल्स कैसा चूज़ करने का है, और ड्राइंग का बहुत अभ्यास होना चाहिए। और मन में जो मूर्ति बनाने के लिए मेरा जो मानना है, पहले उसको पूर्ण अनुभव होना चाहिए, वो भगवान ऐसा ही खड़ा है, वो अंदर में जो भावना भावनात्मक आता है वो चित्र ऐसा ही प्रकार वो मूर्ति बनता है सर। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि योगी राज अरुण MBA करने के बाद दोबारे अपना पेशा छोड़ करके इस कला के साथ जुड़ गए? नहीं सर, हम भी 99 डिग्री पास आउट हो गए, वो भी MBA करके, वो भी वही सोचा मैं भी यही काम करता हूँ करके, मगर वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच करता था, क्योंकि नहीं ऐसा मूर्ति बनाने का है, बढ़िया मूर्ति बनाने का है, कुछ अच्छा मूर्ति बना के दिखाने का है पूरा वर्ल्ड को, क्योंकि काम का हिसाब से सर वो काम में बहुत श्रद्धा होना चाहिए, वो श्रद्धा मेरे भाई के पास है, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो आदमी के पास एकाग्रता और श्रद्धा होती है, जो बहुत अच्छा मूर्ति बना सकते हैं, और ये निदर्शन आप देख रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, इनका कहना है कि श्रद्धा जो योगी राज अरुण में है, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि वो कम ही लोगों में होता है, और इसी श्रद्धा भावना से बनाई गई बालराम की मूर्ति ने दुनिया भर में योगी राज अरुण को आम लोगों तक पहुंचा दिया है। मैसूर से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।